राजकुंद्रा, पोर्नोग्राफी केस पर समिता सेट्टी ने तोड़ी चुप्पी, कहा इस बात का है दुख। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉम पर। एक्ट्रेस समिता सेट्टी पहले बिग बॉस ओटीटी में, फिर बिग बॉस के सीजन 15 में नजर आई। हालांकि बिग बॉस खत्म हो चुका है, लेकिन समिता सेट्टी किसी न किसी बात को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है। अब समिता सेट्टी ने अपने जीजा राजकुंद्रा की पोर्नोग्राफी केस को लेकर बात की है। बताते चले कि जब राजकुंद्रा को पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार किया गया था, तब समिता सेट्टी ने बिग बॉस के ओटीटी सीजन 1 में एंट्री की थी, जिसके चलते वहां अपनी बहन शिल्पा सेट्टी के बुरे वक्त में उनके साथ नहीं रह सकी। समिता सेट्टी ने अपनी बहन शिल्पा सेट्टी के बुरे दौर के बारे में बात की और दुख जताते हुए कहा कि वहां अपनी बहन के साथ कठिन समय में नहीं रह पाई। समिता सेट्टी ने पिंक विला से बात करते हुए कहा, मुझे सच में दुख होता है कि शिल्पा के साथ उस कठिन समय में साथ नहीं रह पाई। मुझे वहां रहना चाहिए था, मैं बिग बॉस ओटीटी में थी तो मैं उनको लेकर बहुत चिंतित रहती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मैं जानना चाहती थी क्या हो रहा है, क्योंकि हम दोनों बहनें बहुत करीब हैं। हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। मेरी बहन के लिए बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन वहाँ फिर भी डटी रही। मुझे उस पर गर्व है। बिग बॉस में एंट्री पर ट्रोल होने पर समिता सेट्टी ने कहा, मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं था, जो सही नहीं था इसलिए मैंने सोचा मैं भी जा सकती हूँ। इसके साथ ही ऐसे समय पर जब लोग कोविड के चलते अपने घर पर बिना काम के बैठे हैं, तो मैं काम का अनादर नहीं करना चाहती थी। मेरे पास जो काम आ रहा था, मैं उससे पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने बिग बॉस में जाना सही समझा। गौरतलब है कि समिता सेट्टी ने 2 फरवरी को अपना 43वां जन्मदिन मनाया है। इस खास मौके पर उनके चाहने वालों ने उन्हें शुभकामना दी। उनके बहन शिल्पा सेट्टी ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए बर्थडे विश किया। शिल्पा सेट्टी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बर्थडे गर्ल को शेरनी बताया है। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।